नमस्ते, रंग तरंग किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलम सिंह आज आप लोगों के सामने भुइये की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। ये बॉयल करके बनाई जाती है, चलिए बनाते हैं। भुइया मैंने बॉयल करके काट लिया है छिलके, हल्दी पाउडर है थोड़ा सा, हरी मिर्च पिसी हुई, इसमें नमक डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था, अजवाइन है, इसमें अजवाइन डालना जरूरी होता है, यह अजवाइन से अच्छी लगती है, गोल्डी हींग है, लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा, बनाने के लिए सरसों का तेल है, नमक स्वादानुसार। अब मैंने तेल डाल ली हूँ कढ़ाई में, हींग डालना है थोड़ा सा, अजवाइन है जो मैंने हाथ से प्रेस करके डाल रही हूँ, हरी मिर्च का पेस्ट जो बना के रखी थी उसको मैं ऐड किया है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, मैं घिया ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने पहले ही इसको उबाल के छील के काट लिया था गोल गोल पीस में। ऐसे आप लोग घिया बनाएंगी तो बहुत टेस्टफुल बनेगा, इतना चटपटा बनता है, आप लोग पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, इसमें कोई मसाले की जरूरत नहीं पड़ती और ये सिर्फ हरी मिर्च से ही बनती है। आप लोग हरी मिर्च पीस के घुइया बनाइएगा, इतना टेस्टी लगेगा, आप लोग तारीफ जरूर करेंगे। आप लोग इसे स्लो फ्लेम पे चलाते हुए पकाइएगा, इसमें पानी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये सिर्फ भून के ही बनता है। देखिए हमारी घुइया कितनी अच्छी दिख रही है। भैया आप लोग बनाइएगा तो अजवाइन डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अजवाइन बिल्कुल घुइया में जरूरी होता है। देखिए मेरे घुइया बनके रेडी हो चुका है, कितनी सुंदर दिख रही है। अगर आप लोगों को मेरी घुइया की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, कमेंट करके बताइए कि मेरी घुइया की सब्जी आप लोगों की कैसे लगी।